ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله المولان العظيم जैसा कि नाज्रीन को मालूम है जैमानवारी हैदराबाद बबुलवा एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से तफसरत अहमदिया के दर्स का सिलसिला जारी है आज हम मसला नंबर ग्यारह हज और उम्र के दौरान सफा और मरवा की सही करना इस मसले को पढ़ेंगे और इसके तहत जो आयत करीमा ज़िक्र की गई है उस आयत की तफसीर के ज़म में जो मसाइल और अहकाम बयान किए गए हैं उन मसाइल और मसायलोकाम पर तोज्जो रखेंगे पहले एत करीमा के तर्जे को देख लीजिए इन सफ़ा वमरवाबिन श्ला बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं फमन हज अलबैताबमारा तो जो बेतुल्ला का हज या उम्र करे फ़ला जना है आलि अन्य फबीमा तो उसके लिए दोनों के दरमियान तवाफ़ यानी सही करने में कोई हर्ज नहीं हम तरन और जो शख्स अपनी ख़ुशी से निकी करता है तो बेशक फ़िनल्ला शाकर तो बेशक अल्लाह तो ताली उसे अच्छी जजा अच्छी जजा देने वाला और जानने वाला है फरमाते हैं साहब किताब के ये बात मालूम रहना चाहिए कि सफा और मरवा मकई मकरमा में मौजूद दो पहाड़ियों का नाम है तफसर ज़ाहरी के मुताबिक सफ़ा के सख्त और चमकदार पत्थर हैं और मरवा के पत्थर सफ़ेद हैं दोहरे जहलीत के बाशिंदे इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सही किया करते थे दौड़ते थे और असाफ़ और नायला ये दो बुत थे असाफ़ और नायला को हाथों से छुआ करते थे अव्वल ज़िक्र यानी असाफ़ ये सफ़ा पे था और नायला ये मरवा पर था जब इस्लाम आया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेलान नब्वत किया और इस्लाम को शौकत नसीब हुई तो बुत तोड़ दिए गए जब हज का हुक्म नाजिल हुआ तो मुसलमानों ने उन दोनों पहाड़ियों के तवाफ़ करने को नापसंद समझा सफ़र और मरवा की क्यों क्योंकि ज़माने तक उन पहाड़ियों पर मुशी की का असाफ़ और नाइला की परस्तिश करते थे बुत परस्ती करते थे इस लिहाज़ से मुसलमानों को उसका तवाफ़ जो है नागवार गुज़रता था हती के काफिरों की मुखालफत में सफ़ा और मरवा की सड़ी को भी मुसलमानों ने छोड़ दिया और उनका ख़्याल ये था कि ऐसा करना गुनाह है इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें ये बताया कि जो शख्स जो शख़्स हज या उमर करता है तो उसके लिए इन दोनों पहाड़ियों का तवाफ़ करना कोई गुनाह की बात नहीं अल्लाह ताला के इस क़लाम से ज़ाहिर ये होता है कि सफ़ा और मरवा में सही करना यह हराम नहीं बल्कि ऐसा मुबाह काम है कि जिसको करने की इजाज़त है और मुबाह वो होता है जिसमें करने या न करने में किसी को तरजीह ना हो यानी आप करें जब भी ठीक है नहीं करते हैं जब भी ठीक है मतलब ये है कि तुम्हारी मर्जी है चाहे तो करो और चाहे तो मत करो लेकिन ख्याल रहे कि यहाँ सिर्फ इबाहत मुराद नहीं है बल्कि इबाहत से ऊपर का दर्जा यहाँ मुराद है यानी यहाँ जानब फ़ेल को तरजीह होगी यानी तवाफ करने को सही करने की तरजीह होगी फ़लाँ जना है अलयत कफब हिमा तो उस हज और उमरा करने वाले पर कोई हर्ज नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों का चक्कर लगाएं, इन पर सही करें तो इसके जाहिर से ये समझ में आता है कि ये क़ुरान ने इसकी हरमत को मना कर दिया कि यह हराम नहीं है बल्कि ये मुबाह है और मुबाह किसे कहते हैं जिसके करने न करने में किसी को तरजीह ना हो तो ज़ाहिर तो यही होता है लेकिन इससे मुराद यहाँ इबाहत नहीं है बल्कि इबाहत से ऊपर का दर्जा मुराद है यानी जानब तरजीह करने का हुक्म है फिर अगर इबाहत मुराद इबाहत से ऊपर का दर्जा है तो कलाम को उसके मुताबिक क्यों नहीं लाया गया यानी होना तो ये चाहिए था कि जो शख्स हज उमरा करे तो फ़ालई अयवीमा तो उस पर वाजिब है कि वह तवाफ़ करें दोनों का इस तरीक़े से कलाम को लाया जाता लेकिन क्या फरमाया गया फ़ला जुना है अल ही अय्यत तो हिमा वह अगर पहाड़ियों का चक्कर लगाता है तो उस पर कोई हर्ज नहीं मतलब कोई गुनाह नहीं तो इससे तो ये मुतबदर होता है कि ज़रूरी नहीं है हालांकि ये ज़रूरी है तो फिर कलाम को इस नहज पर क्यों लाया गया उसके जवाब में कहा गया है कि गुफ्तु का ये जो तरीका है और ये जो अंदाज़ है ये उन मुखातबीन से हुआ जो उनके दरमियान सही को हराम या नाजायज़ मानते थे तो जो सफ़ा और मरवा की सही और उसके चक्करों को गुना समझते थे या हराम समझते थे ये गुफ्तु उनको ख़िताब करते हुए है यानी मतलब ये कि तुम जैसे इसको हराम समझ रहे हो ये हराम नहीं है बल्कि ये करना है तो ये एक जवाब पेश किया गया आगे फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम रदील्लैन के नज़दीक सफ़र और मरवा के दरमियान सही करना यह सुनत है और यही कौल अनस बिन मालिक और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तुम का है जैसा कि काजी बैदावी और साहिब कशाफ ने उसे बयान किया है इनका कहना ये है कि आयत मुबारक का मफहम सिर्फ़ इबाहत का तकादा करता है किसका इमाम अहमद बिन हम्बल अनस बिन मालिकबुल्ल बिन अब्बास ये तमाम हजरात जो हैं सफ़ा मरवा की सही को वाजिब करार नहीं देते हैं सुनत बताते हैं और इस्तेदलाल इस तरीके से करते हैं कि आयत करीमा का मफहम सिर्फ़ इबाहत का तकादा करता है यानी सिर्फ ये बताता है ये काम तुम्हारे लिए हलाल है मुबा है यानी सड़ी जायज़ और मुबा है करो या ना करो कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता इस इबाहत में जानब वक़ू की तरजीह हजूर अक्रम सलील आसम के फ़ेल मुबारक और हज़रत साहबा कराम के उस पर अमल करने से आई है नहीं कुरान से तो सिर्फ इसकी इबाहत साबित है अब इबाहत में दोनों पहलू बराबर होते हैं करना नहीं करना दोनों बराबर होता है आपके सामने पानी रखा हुआ है आप पिए ना पिए दोनों चीज़ें बराबर हैं आपके लिए मुबा है अगर आप पी लेते हैं तो उस सूरत में किसी किस्म का सवाब भी नहीं है और नहीं पीते हैं तो फिर किसी किस्म का जुर्म भी नहीं है गुनाह भी नहीं तो कुरान से सिर्फ़ इबाहत साबित होती है लेकिन हुजूर ने भी चूंकि इसका तवाफ़ किया साहबा ने भी इसका तवाफ़ किया तो हुजूर और साहबा के तवाफ़ करने की वजह से चक्कर लगाने की वजह से हुजूर और वह के करने की वजह से इसके जानब वक़ू की तरजीह हो गई लिहाजा इस तरजीह के बाद ये काम दरजाह से ऊपर उठ कर दर्ज सन्नत में आ जाएगा इमाम मालिक इमाम शाफी रहल्ला दोनों के नज़दीक ये रुकना है हनाबिला के नज़दीक ये सुनत है और शवाफ़ और मालिकिया के यहाँ सफा मरबा की सई रुकन है क्यों इसलिए कि वह हजूर के इस अरसाँस से इस्तलाल करते हैं इसाऊ फ्नल कुतिब कतब अलैकुम आलकमस हुज़ूर ने फरमाया सई करो दौड़ो यह अम्र कसेगा क्योंकि अल्लाह ताला तुम पर सई को फ़र्ज कर दिया है तो जैसे कुतिब अलैकुम आलकमसियाँ तो यहाँ कुतिबा फ्रज़ा के माने में है इसीलिए इसी तरीके से यहाँ पर शवाफ़ और मालिकिया ने कतबा आलकुम में कतबा को फर्दा के माना में लिया यानी तुम पर सही को फ़र्ज कर दिया गया अब इस्तलाल कैसे इस आयत में इस जो सैगा है वह सग अमर है सग अमर से भी साबित होता है और कतबा से भी साबित होता है तो दोनों से चूंकि साबित होता है इसलिए वजूब जब, जब जो है असूल की जबान में बात करते हैं तो वजूब ये फ़र्ज़ के महम माना होता है तो इस साउस अमर से भी वजूब होता है कतबा से भी वजूब होता है इसलिए चूँ मालिकिया और शबाफे के यहाँ जो है रुकन के तौर पर सफा और मरवा की सही को लिया गया है अलबत्त हमारे यहाँ यानी अहनाफ के यहाँ सफा और मरवा की जो सही है ये न सुन्नत है ना फर्ज है बल्कि वाजिब के दर्जे में है हम अहनाफ के नज़दीक सही वाजिब है दलील क्या है इसकी दलील ये है हज़ूर अक्रम वसल्लम और साहबा कराम ने इस पर दवाम इख्तियार किया हमेश की इख्तियार फरमाई और किसी एक वक्त भी ऐसा नहीं हुआ कि हज या उम्र किया हो और उसको छोड़ दिया हो इन इसको छोड़ना इख्तियार नहीं किया लिहाजा ये वाजिब है इन सुन्नत की नफी हो गई कि सुनत में यह है कि कभी हजूर ने छोड़ा हो लेकिन ये काम ऐसा है कि हजूर साहबा ने हमेशा किया लिहाजा ये वाजिब है और उसके अदा ना करने वाले पर दम यानी कुर्बानी ये वाजिब होती है जैसा कि फ़ीर किताबों में मस्कूर है रहा अब दम वाजिब होना ये इस बात की दरील है कि ये सुन्नत नहीं है बल्कि सुन्नत से ऊपर दर्जा इसका वजूब का है तो क्योंकि सुन्नत छूटने पर दम वाजिब नहीं होता है जैसे नमाज है नमाज में फ़राज़ हैं वाजिबात हैं सुनत मतहबात हैं फ़र्ज़ छूट जाए तो उस कमी को आप पूरा नहीं कर सकते वाजिब अगर छूट गया तो सजय सहब के ज़रिए उस कमी को पूरा कर सकते हैं लेकिन सुन्नत अगर छूट गई तो उसकी तकमील के लिए सजा सहब करने की इजाज़त नहीं है इसी तरीके से हज में वाजिबा छूटने पर दम वाजिब होता है तो अगर कोई शख्स सही ना करे तो सही ना करने वाले पर कुर्बानी दम वाजिब होता है तो दम का वाजिब होना ये इस बात की दलील है कि ये वाजिब है और हुजूर का हमेशा इख्तियार करना इस बात की दरील है ये सुन्नत से ऊपर का मर्तबा और वो मर्तबा वजूब का होता है ये तो तोनाफ का मज़ा हो गया अब जो दरील दी थी शबाफे और मालिकिया ने इसके वजूब पर कि इसऊ दौड़ो ताला फ़ैनल अलैकुम आसायब तो उसका जवाब यहाँ पेश कर रहे है फरमाते हैं कि रहा यह कि हजू के इरशादे ग्रामी में लफ्ज़ का से इमाम शाफै और इमाम मालिक ने जो इस्ते किया है कि कतबा ये फुजुब के लिए आता है फर्जियत के लिए और ईसाऊ ये से अमर है ये भी फर्जियत के लिए आता है तो हम इसके जवाब में ये कहते हैं कि यहाँ कतबा से मुराद कतबा इससानन है यानी कतबा फर्दन नहीं है यानी अल्लाह ने इससान और अच्छा होने की बिना पर उसे लिख दिया है जैसे कि हदया में है और साहिब मदारक ने उसकी तस्रीह जो है इस तरह फरमाइए इस, इस अल्लाह ताला के रिशात की रोशनी में फ़लाँ जनाहाा वमन ततवा फलाँ जनाहाा वमन ततवा कि फ़लाँ जनाहाा उमन ततवा में इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई की मज़हब की दलील मिलती है ये हो गई बात चलिए अब यहाँ पर आगे देखिए ये भी कहा गया है कि यहाँ हर फिला पोशीदा है यानी फ़ला जनाहााहीत्त तवफ़बी माँ यानी अगर किसी ने सफ़र और मरबा के दरमियान सई को छोड़ दिया तो उसका हज फासद नहीं होगा लेकिन नाक़ ज़रूर हो जाएगा और इस नुक़सान को पूरा करने के लिए दम की अदायगी लाजि आएगी जिसका कि तफसर ज़हरी में ज़िक्र है रही ये बात और ये वहम कि फ़ला जनाहा का अपने माँ बाप से कोई ताल्लुक नहीं है ये मन्ता है और अलैहि का ताल्लुक माँ बाप के साथ है यानी अलैही अन्य तफा बिमा इन दोनों का तवाफ़ करना वाजिब और लाज़िम है इस तरह सई के वाजिब होने की दलील बन जाएगी इस तरकीब पर करीना और दलील ये है कि अगर आलही को उसके मां कबल यानी फ़ला जुनाहा से मुतक़ करते हैं तो हरफ ला का इसम उस वक्त मुशा मजाफ़ होगा और जब ला का इसम मुशाब मजाफ होता है तो मनसूब होता है मफतू नहीं होता है और यहाँ जुनाह जो है ये मनसूब नहीं है बल्कि मफतू है हम उसके जवाब में ये कहते हैं ये कलाम फासद है एक वजह फसाद तो ये है कि फ़ला जनाहाँ के साथ अगर आलिय का ताल्लुक़ ना होता तो उस पर वफ़ करना दुरुस्त होता हालांकि ये दुरुस्त नहीं है और दूसरी बात यह है कि माँ सबक पर यह कलाम तफरी नहीं बन सकता गुजा पर ये मतफर्रा नहीं हो सकता क्योंकि उसका तकाजा ये है कि उस वक्त इस कलाम का मुखातब वो लोग हो हों जो हज और उमरे को हज समझते हैं हालांकि ऐसा नहीं है रही ये बात कि आलहीही को अगर फ़ला जनाहाा आलैही के मुतल करते हैं तो ये तकादा करता है कि उसका मुत्ल मुशाब मजाफ हो और हम उसे तस्लीम नहीं करते क्योंकि यह आयद की कबील से है और तबा उसकी खबर है अब तरीक़ा बता रहे हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने का तरीक़ा क्या है सफ़ा और मरवा के दरियान सही का तरीक़ा ये है कि जब बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ मुकम्मल करके फारि हो जाए तो वहाँ से बाहर आ जाएँ और सफ़ा पर चढ़ जाएँ और बैतुल्ला शरीफ को मुँह कर लिया जाए तकबीर व तहलील कहें और हजू सरवर कायना सल्ल व सलाम भेजें फिर हाथों को उठाएँ और दिल में जो आए वो दुआएँ अल्लाह से मांगें फिर मरवा की तरफ चलें जब दो सब्ज़ मीलों पर पहुँचें अब सब्ज़ मील वहाँ तो अब पहाड़ियों के सिर्फ निशानात मौजूद हैं वहाँ की हुकूमत ने जो है कुछ लाइटें लगा रखी हैं कि जहाँ आपको दौड़ना है तेज़ चलना है तो निशानी के तौर पर वहाँ ग्रीन लाइट का इंतज़ाम किया गया है तो जितने हिस्से में आपको दौड़ना है तो वहाँ निशानी के तौर पर ग्रीन लाइटें लगाई गई हैं कि जैसी लाइटें शुरू हों आप दौड़ना शुरू कर दीजिए जब लाइटें ख़त्म हो जाएँ तो फिर अपने नॉर्मल रफ़्तार में आ जाइए तो जब दो सब्ज़ मीलों पर पहुँचें तो उन दोनों के दरमियान सड़ी करें यानी आम रफ़्तार से ज़्यादा तेज चलें लेकिन दौड़े नहीं फिर चलते चलते मरवा पर चढ़ जाएँ अब यहाँ चढ़ने का तस्वुर तो नहीं है अब अब तो पूरे पिल्लर बना दिए गए हैं तो मरवा पर पहुँच जाएँ समझिए और वही काम जो यहाँ सर अंजाम दिए जो मतलब सफ़ा पे जो काम किए थे वही काम यहाँ मरवा पे आकर करें इस तरह सात चक्कर लगाएं जिनकी इब्तदा सफ़ा से और इख्ताम मरवा पे हो फ किताबों में यही तरीक़ा मशकूर है सफा से इब्ता करने के वजूब की दलील में इख्लाफ है अब यहाँ क्या बताया गया कि तवाफ़ का आगाज़ चक्कर का आगाज़ सफा से करें और ख़त्म मरवा पे करें तो सफा से इब्तदा करने के वजूब पर जो दलील है उसमें इख्लाफ है इमाम शाफ़ई फरमाते हैं सफा से इब्तदा करना वाजिब है जो हर्फ़ वाओ का तकाजा है दलील उनकी क्या है कि हरफ वाओ का यही तकाजा है क्योंकि अल्लाह क्या फरमाया इन सफा वलमर वाओ के बारे में इमाम शाफ फ़रमाते हैं कि हमारे नज़दीक या मा कबल और मा बा में तरतीब के वजूब के लिए आता है यानी वाओ का काम यह है कि मा कबल और मा बाप की तरतीब बताता है और दूसरी बात यह है कि हदू सलील आसम ने भी सई की इब्तदा सफ़ा से ही की थी फिर आपने ये भी फरमाया ननों नब दो बिमा बद अल्लाह तम उसे उसे ही पहले करेंगे जिसे अल्लाह ताला ने पहले जिक्र किया है तो पहले अल्लाह क़ुरान में सफ़ा ज़िक्र किया है तो एक तो ये कि हुजूर ने इब्तदा सफ़ा से की है ये भी एक दलील वजूब है इमाम शाफ़ई की तरफ से दूसरे ये हुजूर ने उसकी सन्हत भी फरमा दी नहा उ नब दब अल्लाह ताला और तीसरे ये कि वाओ का तकाजा ये है कि तरतीब हो तरतीब का मतलब जो वाओ से पहले है वो पहले हो जो वाओ के बाद है वो बाद में हो तो इस तरतीब को देखें इससे भी यही मालूम होता है कि ये सफा पहले है और मरवा बाद में है तो इससे मालूम हुआ कि तरतीब लाजिम है क्योंकि हजू सलील आसम ने तरतीब के लुजूम पर क़र करीम की मजकूर आयात बतौर हवाला तलावत फरमाई तो ये माम शाफ की तरफ़ से वजूब सही की इब्तदा पर यानी तबाफ सफा और मरवा की सही सफा से शुरू करना इसके वजूब पर दलील हो गई अलबत्त हम अहनाफ जो हैं हम अहनाफ भी सही की तरतीब में वजूब के कायल हैं लेकिन हमारी दरील अलग है जो हुकुम शाफेई के पास है वही अहनाफ के पास है लेकिन हमारे एमां ने जो वजूब का इस्तेदलाल किया है वो दूसरे दलाल से किया है हमारी दलील क्या है हजू सरवर कैना सल्लम का फ़ेल हमारी दरील है हरफ वाव हमारे नज़दीक वजूब तरतीब के लिए नहीं आता है जैसे कि मामे शाफ़ी ने इसे तस्लिम किया है दूसरे हम ये भी कहते हैं कि इस आयत करीमा में सफ़ा वमरवा बिन शाला में जो वाव आया है वो ये साबित करता है कि सफा और मरवा दोनों अल्लाह ताला के शायर में से हैं इस वाव का मकसद ये है यानी शाला होने में इन दोनों को जमा कर देता है और मनासिक हज के साथ इसको शरीक कर देता है तो इनके शायर या मनासिक होने में तरतीब का तस्वुर नहीं हो सकता यानी ये कि पहले सफ़ा शायरुल्ला हो मरवा बाद में शायरुल्ला बना ये मतलब तो नहीं है बाकी रहा इन दोनों के दरमियान सही करने का मसला तो वो उन अलफा से नहीं बल्कि अन्य तफ़ा भी हिमा से सबित होता है और यहाँ कोई वा नहीं है यानी सफा मरवा की जो सही का सबूत है वो अत या तब वफ़ा से साबित होता और यहाँ वाव नहीं इसके अलावा सही तरतीब के बगैर भी सही तरतीब के बगैर हो ही नहीं सकती वाह हो या ना हो और सफ़ा का ज़िक्र पहले करना इसी तरफ इशारा है कि ये काबिल अहतमाम जगह है और अहतमाम के काबिल होना तरजीह के लिए वजह बन जाता यानी वजह तरजीह बन जाता है यानी जिसकी अहमियत ज़्यादा हो उसे पहले दर्जे पर रखा जाएगा लिहाजा सही करते वक्त अहम से शुरू किया जाएगा और वो सफ़ा है बज़दवी में हरूफ उमानी की बहस के दौरान वा का जिक्र करते हुए ये लिखा गया है वमन मंग आख़ीरन का माना यह है कि जिसने सफ़ा और मरवा का तबाफ खा हज में खा उमरे में किया लेकिन फ़र्ज हज और उमरे के अलावा यानी हज और उमरे का ज़रूरी तवाफ़ कर लेने के बाद नफली तवाफ़ किया या ये, ये माना होगा जो फ़र्जी हज अदा कर चुका अब वो नफली करता है या उम्र अदा करता है लेकिन वो किसी तरह ज़रूरी नहीं था बल्कि नफली था तो अल्लाह तबारक वाल ऐसे तबाफ करने वाले और ऐसे हज करने वाले उम्रा करने वाले को इस इताद गुज़ारी पर परवाब देने वाला है उसे बेहतरीन जजा देने वाला है और अल्लाह ताला उसकी नियतों और उसके आमाल अफ़ाल से बाबर है और अल्लाह पर कोई चीज़ पोशीदा नहीं है ये देखिए आगे फरमाते हैं हज लगत में क़्दा इरादा को कहते हैं हज का लगवी माना जो है कस्द और इरादा है जो किसी काबिल अजमत चीज़ के लिए हो यानी हर एक इरादे या कस्त को हज नहीं बोलते हैं जो काबिल तज़ीम तकरीम और अजमत वाली चीज़ के लिए इरादा किया जाए वो लगत में हज है अलबत शरीत मतहरा में बतल शरीफ़ का मखसूस तरीक़े से तवाफ़ करना मखसूस वक्त में और मखसूस शराइ के साथ ये हज है जैसे सलात का माना लुभत अरब में दुआ है लेकिन शरीय में सलात का माना एक मखसूस इबादत है जिसमें मखसूस अरकान शराइत हैं उस इबादत का नाम सलात है तो इसको असिलाह शर् बोलते हैं इसी तरीके से हज का एक लघवी माना है कि किसी काबिल तज़ीम चीज़ का कस्त करना और शरी माना यह है कि काबतुल्ला शरीफ का मखसूस तरीक़े से मखसूस वक्त में मखसूस शरात के साथ जो है कस्त करना ये हज है शरीत में उम्र या इतमार ये ज्यारत को कहते हैं शरीयत में ये भी बैतुल्ला शरीफ और सफ़ा और मरवा का तवाफ़ मखसूस तरीक़े से करने को कहते हैं तो उम्रे का लघवी माना क्या है जीारत हज का लघवी माना क्या है कस्तो इरादा लेकिन शरीयी माने दोनों के मुख्तलफ़ हैं हज उम्र में सिर्फ एक बार साहब इस्तात पर फ़र्ज है और उम्र सुनत है हज के अया मखसूस हैं मखसूस दिनों में हज किया जाएगा उनके अलावा दूसरे दिनों में हज अदा नहीं हो सकता उम्र उम्रा हज के दिन छोड़ कर पूरे साल कर सकते हैं और इन अयाम के मज़ीद अहकाम जो हैं इन श्रह आएंगे ये मसला नंबर ग्यारह था जो मुकम्मल हो गया अब बारहवें मसले को देखिए बारहवें मसले में जिस आयत पर कलाम किया गया है वह है

आयत करीमा का पहले तर्जमा पढ़ लीजिए या यूहल्लदीना मनु कुलू मिन तय्यिबा तिमा रज़क़नाकुम वशकुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून ऐ ईमान हमने जो तुम्हें पाकिज़ा चीज़ें खाने को दी हैं उनमें से खाओ और अल्लाह की शुक्रगुजारी करो अगर तुम उसकी इबादत करते हो इन्ना हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिन्ज़ीरि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह बेशक हमने तुम पर मुर्दार खून खनज़ीर का गोश्त और ग़ैरल्ला के नाम पर बाह हुआ जानवर हराम कर दिया है फ़ मदतर बाला आदम फ़ला इसम आलई तो जो शख़्स मजबूर हो ऐसा कि ना हद से बढ़ने वाला और ना ही बगावत करने वाला हो फलास्म आलयी तो उस पर कोई गुनाह नहीं इलवा गफ़ूरहम बेशक अल्लाह ताला बने वाला मेहरबान है ये आयत का माना हो गया सब अब आगे इसकी तफसीर पर तवज्जो दीजिए साहब किताब फरमाते हैं कि ये बात आपके इल्म में रहे कि अल्लाह रब्ज़त ने इन आयतों के ज़रिए हमें तयब चीज़ें खाने का हुक्म दिया है और अपनी नेमतों की शुक्रगुज़ारी करना हम पर वाजिब किया है और हराम चीज़ों के खाने से मना किया है तयबात से यानी मिन तयब मार जखनाको हमने जो रोज़ी तुम्हें दी है उसमें से हलाल और तयब खाओ तयबात से यहाँ क्या मुराद है फ़रमाते हैं कि तयब से यहाँ मुतलकन हलाल चीज़ें मुराद हैं जो भी हलाल चीज़ें हैं वो तयब बात के अंदर दाखिल है और बाज़ मुफसरीन कराम ने यहाँ पर तयीबाद से मुराद बहैरा साया वसीला और हाम ये चार कस्म के जानवर हैं जिसका तस्करा कुरान क़रीम में भी आया है दूसरे मकाम पर मा मिन बम वला साब बहैरा वला वसीला वला हाम बहिरा साहिबा वसीला और हाम ये चार जानवर हैं जो गैर मुस्लिम अपने बुतों के नाम मंसूब कर देते फिर उनका गोश्त उनका दूध उन पर सवारी करना ये अपने ऊपर हराम कर लेते थे तो बाद मुफसरीन कहते हैं कि यहाँ तयबात से मुराद ये जानवर हैं जो मश्रक अपने बुतों की तरफ मंसूब करते फिर उनसे इंतफा को हराम समझते थे तो अल्लाह ने यहाँ बात के ज़रिए इन्हीं को मुराद लिया यानि इन चीज़ों को खाओ और उसके बाद जो चीज़ें जिक्र की गई हैं उनको मत खाओ जैसे इन्म हरमा अल्कुमता तो तैयब से मुराद एक तफसर के मुताबिक मुतलकन हलाल चीज़ें हैं और दूसरी तफसीर के मुताबिक तैयबात से मुराद ये बहिरा सायबार वसीला और हाम इस कस्म के जानवर हैं दो तफसरें हो गई तीसरी कुछ और हजरात ने तय्यबात तो से मुराद ऊँटों का गोश्त लिया है यानी ऊँटों का गोश्त खाओ अगर ये आखिरी माना मुराद हो यहाँ पर तो फिर इस आयत करीमा का ख़िताब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके उन साथियों से होगा जो मुशर्रब इस्लाम हो गए थे तो अब्दुल्ल बिन सलाम और उनके साथी जो इस्लाम लाए थे वो इस आयत के मुखातब होंगे यानी अल्लाह उन्हें फ़रमा रहा है कि तुम ऊँटों का गोश अपने ऊपर हराम ना करो जिस तरह यहूदियों ने अपने ऊपर बहिरा वगैरह का गोश्त हराम कर लिया था तफसर ज़ाहदी के हवाले से साहिब किताब ने यह बात यहाँ नक़ल फरमाई तो ये दो तीन तफसीरें हो गई हैं तैयब से मतलक़न हलाल मुराद हैं या फिर तयबात से बहरा साहिबा वसीला और हाम ये जानवर मुराद हैं या फिर तयब से ऊँटों का गोश मुराद है क़र करीम कि इस आयत में तयबात के लफ्ज़ की तीन मुरादें बयान की गई लेकिन अगर आप गौर करें तो जिस तोजीह के अंदर अमूम ज़्यादा हो वो तोज़ी मुराद लेना ये ज़्यादा बेहतर और करीन कयास भी मालूम होता है जब आप मुतलकन हलाल इस इससे मुराद ले लेंगे तो तीनों किस्म की तफसीरें उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं बहिरा साहिबा वसीला हम भी आ जाते हैं ऊँट का गोश भी आ जाता है तो ऐसा मालूम होता है कि पहली जो तफ़ीर है वो ज़्यादा बेहतर मालूम होती है आलम एक और माना यहाँ बयान किया गया फरमाते हैं मुमकिन है कि मिनपिबातिमा रजक ना कुम से एक मसले पर इस्तेदलाल किया जाए मसला क्या है अल्लाह फरमाया मनयबाती मार्ज़क नाकुम जो रोज़ी हमने तुम्हें दी है उसमें से हलाल रोज़ी खाओ मुतलकन हलाल रोज़ी तो जो भी रोज़ी अल्लाह दिया है उसमें से जो हलाल है वो खाओ इसका मतलब ये है कि हराम रोज़ी के ऊपर भी रिस्क का इतलाक़ होता है यानी हराम को भी रिस्क कहना दुरुस्त है और इसकी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने अशियाई ख़ुरदुनी में से यानी खाने के चीज़ों में से तैयब के खाने का हुक्म दिया जिससे मालूम होता है कि रिस्क आम है खा तयब हो या तयब ना हो अगर हम इस तरीक़े से इस्तलाल करते हैं इस आयत से इस बात पर कि हराम के ऊपर भी रस्क का लफ्ज़ बोलना जायज़ है तो ऐसी सूरत में एक फ़ायदा ये होगा कि यही आयत इस एतबार से मुतजला की खिलाफ दलील बन जाएगी हमारी लेकिन उस वक्त तो दलील बनेगी जबकि तय से मुराद हलाल लिया जाए तय से मुराद लिया जाए उस वक्त ये आयत मुतजला के ख़िलाफ़ हमारी दलील बन जाएगी क्यों क्योंकि हमारे और उनके दरमियान हलाल और हराम होने में नजा है यानी हम लोग हराम और हलाल दोनों को रस्क में शामिल मानते हैं और मतजला ये कहते हैं कि हराम ये रस्क नहीं है तयब और ख़बीस में हमारे और उनके दरमियान इख्लाफ़ नहीं है, तो ये आयत मुतज़ला के ख़िलाफ़ उसी वक्त दलील बनेगी जबकि हम यहाँ पर तयीबात से मुराद हलाल लें उस सूरत में यह आयत मतजजला के ख़िलाफ़ दलील बन जाएगी और हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हर किस्म हलाल हो या हराम हो सब को सबको रिस्क से ताबीर किया है आगे देखिए ये भी कहा गया है कि अब हलाल क्या है उसकी वजाहत में साहब किताब फरमाते हैं ये भी कहा गया है कि हलाल वो है जिसके हलाल होने पर मुफ्तिया ने क्राम फतवा दें और तैयब वो है जिसके हलाल होने की दिल गवाही देता हो तो गोया के ये तयब और हलाल के फ़र्क़ को बयान करना है हलाल वो है जिसके हलाल होने पर अरबाब इफ्ता फतवा दें और तैयब वो है जिसके हलाल होने की दिल गवाही देता हो गोया के तयब के अंदर हिलत का हुसन नफ्स हलाल से ज़्यादा होता है जैसा कि हज़ू सरवर कायना सल्लाम का इर्शाद है दा माँ यीब का अला माला यरीब का छोड़ दे उसे जो तुझे शक में डाले उसकी तरफ़ जो तुझे शक में ना डाले यानी तेरे सामने दो चीज़ें हैं एक चीज़ को इख्तियार करने में तो ये शक होता है और दूसरी चीज़ को इख्तियार करने में शक नहीं होता है तो जो मशकूक जहत है उसको छोड़ देना और जिस पर दिल मुतमैन हो कल मुतमैन हो वो करना तो इससे गोया के तयब के मफहम को अख़स किया गया कशीद किया गया तो एक तो हलाल और तयब का ये फ़र्क है दूसरे ये एक कल ये भी है कि हलाल व तब वो है जो दुनिया में मशक्क़त के बग़ैर और आखिरत में अजाब के बगैर मिल जाए इन दुनिया में जो चीज़ मशक्क़त के बगैर मिले वो हलाल तय्यब है और जो आखिरत में अजाब के बगैर मिले वो आखिर वो हलाल तयब है अल्लाह इज़्ज़त ने इस मजमून को कुरान करीम की कई आयतों में कई मकामात पर बयान फरमाया है एक जगह अल्लाह रब्ज़त अरसाद फरमाता है यादी आमनु या नास कुल्लू फिल और हलालम तयबा ए लोगो ज़मीन में से हलाल तयब को खाया करो इस आयत करीमा में काफिर और मोमिन हर एक के लिए खिताब है इसमें यादी आमनु नहीं हर मुसलमान काफिर के लिए खिताब है कि ज़मीन से हलाल और तैयब खाया करो दूसरे मकाम परिशात फरमाया या आमनू कुलू मिन तय्यबा मा मारजकना ऐ ईमान वालों हमारे दिए हुए में से तुम तैयब को खाओ इस आयत में ख़िताब सिर्फ़ मुसलमानों को है और एक मकाम पर अल्लाह ने फ़रमाया ये रसूल कुलू मिन सालिहा अय माशरे अम्बिया ए गिरोह अम्बिया तैयब अशिया में से खाओ और आमर सालिह बजा लाओ अब इस आयत में ख़ास तौर पर अम्बिया को खिताब फरमाया जा रहा है तफसर जाहिदी में है कि इस किस्म की आयतों से ये दलील ली जाती है अखस की जाती है पकड़ी जाती है कि हर चीज़ में असल इबाहत है मुबा होना है जब तक हराम होने की दलील मौजूद ना हो यानी हर किसी भी चीज़ के हराम और ममनू होने के लिए दलील की हाजत होती है लेकिन मुबा होने के लिए दलील की हाजत नहीं क्योंकि इबाहत ये असली चीज़ है शे की असलियत इबाहत है किसी चीज़ के मुबाह होने के लिए यही दलील काफ़ी है कि उसके नाजायज़ होने पर कोई दलील नहीं और ये बात ऐसी आयास से बिल्कुल जाहिर है इस मसले पर जो है तफसील से कलाम पीछे गुजर चुका है अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें हराम हैं उनका तस्करा फ़ी किताबों में बड़ी तफसील से ज़िक्र किया गया है और अल्लाह रब्ज़त ने मुख्तलिफ़ मकाम पर उन महरमा का ज़िक्र भी फरमाया है जो हम पर आराम है और सहब किताब फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ उनका जिक्र आएगा मुहरम का उनके मतलब मैं वजाहत पेश कर दूँगा इन मुहरम में से बाज़ का इस आयत मुबारक में जिक्र हुआ जैसा कि आप जानते हैं यानी जो आयत अभी हम पढ़ रहे हैं तो उस आयत में कुछ मुहरमात कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र हुआ जिनका खाना मुसलमानों के ऊपर हराम कर दिया गया है सबसे पहले जिस मुहरम को बयान किया वो मैता का जिक्र हो इम हरमा मैता। सबसे पहले हराम चीज़ों में से मैता मुर्दार का तस्करा हुआ मैता किसे कहते हैं मैता वो जानवर है जो हलाल हो लेकिन ज़िबाह किए बग़ैर मर जाए यानी वो जानवर जिसका गोश हलाल है लेकिन बग़ैर ज़िबाह की ये मर जाए वो मैता है इसी के हुक्म में किसी ज़िंदा हैवान के जिस्म से जुदा किया गया अज़ब भी है यानी जो जानवर फीनफ से ही हलाल है माकुरहम है शरीयत ने उसके गोश खाने की इजाज़त दी है उसके दूध पीने की इजाज़त दी है लेकिन अगर वो बग़ैर ज़िबा के मर जाए तो वो जानवर हराम हो जाता है इसी तरीके से अगर किसी ज़िंदा जानवर के जिस्म का कोई हिस्सा काट लिया जाए तो वो हिस्से का गोश्त भी हराम हो जाएगा अज़ मारूफ से दाखिल है, हदीसे से दाखिल है इन्हीं उसका खाम, खाना भी हराम हो जाएगा। जैसा कि बैजावी में आया है मैता का खाना मुर्दार का खाना सिर्फ खाना हराम है उसके चमड़े से दबावत के बाद नफा उठाना ये ममनू और नाजायज नहीं है इसमें इमाम मालिक का अख्तलाफ है इसी तरह मुर्दार के बालों सींग हड्डियों पट्ठों और खुर से नफ़ा उठाना भी इसी आयत करीमा में दाखिल ना होने की वजह से जायज़ है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि मुर्दार का खाना हराम है अब जाहिर सी बात है सींग हड्डियाँ पट्ठे खुर वग़ैरह ये खाने की कबील से नहीं है सिर्फ खाने की हुरमत को बयान किया गया इसलिए इन चीज़ों से इस्तादा करना इनसे फ़ायदा उठाना ये हुक्म के अंदर दाखिल नहीं है देखिए क्योंकि आयत शरीफ़ा में ये बात बयान की गई है कि इन मजकूरा चीज़ों का खाना हराम है यानी मैता है खून है वग़ैरह तो ये हराम कर दिए गए हैं इनका खाना हराम है जैसा कि आयत का सयाक भी इस बात पर दलालत करता है और खाना हराम कहने के बजाय इन अशिया के एन को हराम किया गया यानी मैता ख़ून वग़ैरह हराम किए गए ये मजाजन कहा गया है असल मकसद उनके खाने को हराम करना है अब जैसे खून है तो ये मतलब नहीं है कि खून को रखना हराम हो ठीक है इमाम का इन तमाम बातों यानी चमड़े का दबावत के बाद काबिल इंतफा होना हड्डियों वग़ैरह से नफ़ा उठाना इसमें इख्तलाफ़ है आगे चलिए हर्रमा अल मैता तुम पर मुर्दार हराम कर दिया गया यहाँ पर लफ्ज़ तनावला को मुकद्दर किया जाना इससे बेहतर है कि यहाँ अकला को मुकद्दर किया जाए मतलब ये है हर्रमा अलई कुम मैता दूसरी सूरत हर्रमा अलैकुम अकल मैता अकल जब मुकद्दर मानेंगे यहाँ मैं अल्लाह तुम पे मुर्दार हराम कर दिया तो मुर्दार हराम करना का मतलब क्या है उसका खाना हराम कर दिया तो जिन हजरत ने यहाँ अकला मुकद्दर माना है तो वो कैसे पढ़ेंगे हर रमा आल कुम अक़लमैता तुम पर मुर्दार का खाना हराम कर दिया गया है साहिब किताब फरमाते हैं कि अकला से ज़्यादा बेहतर ये होता कि यहाँ पर तनावला को मुकद्दर माना जाता और यूँ तर्जमा किया जाता कि अल्लाह ने तुम पर मुर्दार का तनावल हराम कर दिया है हं? दोनों सूरतों पर तर्जमा साहिब किताब की ज़बान में देख लीजिए दोनों तकदीरों पर माना यह होगा बेशक तुम पर मैता और खून का तनाउल करना हराम किया गया यह तर्जमा होगा जबकि तनावला को मुकदर माने या बेशक तुम पर मैता और दम वगैरह का खाना हराम कर दिया गया यह तर्जुमा अकला को मुकदर मानने की सूरत में होगा फरमाते हैं कि तनावला की तकदीर उसको मुक़दर मानना इसलिए बेहतर है कि इन में अशिया का खाना भी आ जाएगा और उनके दूध का पीना भी शामिल हो जाएगा क्योंकि तनावल का लफ्ज़ दूध पीने के लिए भी आता है खाने के लिए भी आता है जबकि अकल का लफ्ज़ सिर्फ खाने के लिए आता है तो दूध उसके अंदर दाखिल नहीं होगा हालाँकि ये बात तय है कि जिसका गोश्त हलाल है तो उसका दूध भी हलाल है देखिए फरमाते हैं तनावल तनावला की तकदीर इसलिए बेहतर है कि इसमें इस सूरत में इन चीज़ों का खाना और उनके दूध का पीना भी शामिल हो जाएगा क्योंकि दूध को तनावल करना तो कहते हैं मगर दूध को खाना नहीं कहते हैं और जिन हज़रा ने इन अशिया के चमड़े को दबावत के ज़रिए भी काबिल इंतफा नहीं रखा और जो ये कहते हैं कि ये मुर्दार हैं और इनके चमड़े को भी दवात के ज़रिए जो है दबावत के बाद उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते हैं तो जिन्होंने ये कहा है वो यहाँ इंतफा को मुकद्दर करते हैं ताकि कुल को शामिल हो जाए बेज़ावी में है कहा गया हाँ बैजावी में है कि यहाँ लफज़ हरमत को बेयन ही अशिया की तरफ़ मुजाफ़ किया गया इन ये कहा गया कि हमने तुम पर मुर्दार हराम कर दिया खून हराम कर दिया तो हरमत की जो नस्बत है वो सीधी इन चीज़ों की तरफ कर दी गई यानी मैता और ख़ून को हराम किया गया उनके खाने तनावुल या इंतफा की तरफ हरमत की नस्बत नहीं की गई यानि ये नहीं कहा गया कि मरदार का खाना हराम कर दिया गया है या उससे फ़ायदा हासिल करना हराम कर दिया गया है या उसका तनावल करना हराम कर दिया गया है तो हराम की नस्बत इन चीज़ों की तरफ की कि ये चीज़ें तुम पर हराम कर दी गई इन चीज़ों का खाना तुम पर हराम कर दिया गया तो उसका और फन फ़ायदा क्या हुआ ऐसा क्यों कहा गया फ़ायदा ये हुआ इस तरह इजाफत करने से इन चीज़ों में मतल तसरुफ़ कर ममानात हो जाती है हाँ जिन तसरफ़ात को किसी और दलील से मखसूस कर लिया जाए वो इस हुक्म से निकल जाएंगे जैसे दबावत दिए गए चमड़े में तसरफ करना इसमें शामिल नहीं है दूसरी दलील से इसको ख़ास कर लिया गया तो पहली चीज़ तो थी यहाँ जो महरमात बयान किए गए उनमें मुर्दार, और दूसरी चीज़ है खून खून अगर बहने वाला हो तो हराम है खा वो किसी भी हैवान का हो क्योंकि अल्लाह ताली ने इस बारे में साफ साफिरशात फरमाया अदम सुरे सरेम की आयत इन आयत का एक हिस्सा है या बहने वाला खून हो शर् वाया में मसफूह यानी बहने वाले खून के अहकाम तफसील से बयान किए गए हैं तफसर मदारक और कशाफ में हैं कि दो किस्म के मुर्दार और दो किस्म के खून हलाल कर दिए गए हैं उनको हदीस पाक ने हलाल किया है यानि मकड़ी मछली जिगर और तिल्ली सरवर कैना सल्ला वसम ने इशात फरमाया, उहिलत, लनल मई ततान वमान हमारे लिए दो मुर्दार, दो खून हलाल कर दिए गए अम्ल मैतान मैतान क्या है, मुर्दार क्या है? फसमा को दो मछली और टिड्डी टिड्डियों का दल वह अमद दमान और दो क्या हैं फल कबिदु व तिहाल जिगर और तिल्ली ये बात भी हिदया में जिक्र की गई है ये दो चीज़ें हो गई मुहरमात में से दो चीज़ों का बयान हो गया तीसरी चीज़ फंजीर यह हराम मुतलक है ज़रूरत के वक्त उसके बालों से सीने का काम लेने के अलावा और किसी किस्म का नफ़ा उठाना ये जायज़ नहीं है ज़रूरत के वक्त खनज़ीर के बालों से सीने का काम ले सकते इसके अलावा खनज़ीर से किसी किस्म का फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं यह हराम मतलब है ज़रूरत के वक्त का मतलब जब फ़ुकाहा ज़रूरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इससे एक ख़ास माना मुराद होता है रहा ये कि उसके कि क़ुरान में तो उसके आगे सिर्फ लहम का जिक्र है कि कुरान के जाहिर से तो ये मालूम होता है कि सिर्फ़ खंजीर का गोश्त नाम है और आप ये कह रहे हैं कि इसके बदन का हर हिस्सा हराम है ये मरहमे में है और सिवाय बालों वो भी सीने के लिए किसी भी चीज़ से इस्ता नहीं कर सकते हैं तो उसकी वजह यह है कि मकसूद तो यही था क्योंकि खाने का ताल्लुक गोश्त से ही होता है दीगर अशिया से इंतफा होता है। खाने का ताल्लुक़ सिर्फ़ गोश्त से होता है और यहाँ खाने का तस्करा है लिहाजा यहाँ पर गोश का तस्करा किया है ये तीन चीज़ें हो गई जो है मुर्दार, खून और उसके अलावा जो है खनज़ीर चौथी चीज़ ये ज़रा तफसील तलब है चौथी चीज़ें वमा उहिल्ला बिही गैरिल्ला इसका माना यह है कि जो चीज़ अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का नाम लेकर बाह की जाए वो जानवर फ़ीन ही हलाल ही क्यों ना हो वो हराम है। वमा उहिल्ला बिही जिसके िबाह करते वक्त अल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा जाए लिया जाए वो भी हराम है अब ये जो सूरत है आखिरी ये तफसील तलब है और जो है इसकी वजाहत करना है साहिब किताब ने इस हवाले से जो बातें ज़िक्र की हैं वो तो हैं इसके अलावा ये दौर हाज़िर में बदकीदों की तरफ़ से एक ये इस ये आयत का ये हिस्सा बदकीदों की तरफ से बार बार अहल सुनजमत पर चश्मा किया जाता है ग़लत नीत से और हम लोग जो किसी बुज़ुर्ग के इशारे सवाब के लिए जानवर ज़िबा करते हैं और मुसलमानों के दरमियान उसे तकसीम करते हैं या उसका कुछ सालन वाला बना के दावत के तौर पर अहतमाम करते हैं तो उस जबीे को ये लोग हराम बल्कि शर्क से भी ताबीर कर देते हैं और इसी वमा और हल्ला भी से ये लोग इस्तलाल करते हैं तो चूँकि ये एक अहम मसला है तो इन कोशिश ये करेंगे हम कि इसको मुस्तकिल एक दर्स में सिर्फ़ इसी मसले पर पूरा दर्स और पूरी गुफ्तू की जाए ताकि इसके जो मुत्लक़ात जो हैं जो इसके जैली मजामी हैं मसायल हैं वो भी इसके ज़मने में आ जाएँ तो अभी इन इसको हम यहाँ मौकूफ कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी तवील मसला है और जो गुफ्तु अभी तक हमारी हुई उसका ख़ुलासा ये है जो आयत नीचे वाले मसले के तहत जिक्र की गई यानी या यहन अमनकुल मनयबात ये, ये मसला नंबर बारह था इसके तहत जो आयत जिक्र की गई उस आयत में अल्लाब ने कुछ चीज़ों को हमारे लिए हलाल फरमाया कुछ चीज़ों को हमारे लिए हराम फरमाया हलाल चीज़ों की बहसू पर हो चुकी थी यह हराम चीज़ों की गुफ्तु चल रही थी तो हराम चीज़ों में से पहले नंबर पर, पर जो है मई था मुरदार था दूसरे नंबर पर दम ख़ून और वलहज़ीर और तीसरे नंबर पर खनजीर का गोश और चौथे नंबर पर जो है वो वमा उहिल्ला बही लगैर ये आयत कुरान में मुख्तलिफ तरीके से आई है यानी बिही को कभी मौखर किया गया है कभी मुक़दम किया गया वमा उहिल्ला उहिल गिला और यहाँ पर है वमा उहिल बही लैरिल्ला दोनों का मफम बराबर है तो इस आयत ये आखिरी चीज़ है जो मुहरमात में यहाँ ज़िक्र की गई है इनशा इसके आयत के हवाले से जो गुजारिश हैं और जो इससे मुतल जो अकीद है और बदकीदों की तरफ से जो एतराज़ा हैं उन तमाम चीज़ों को इन शी हम आइंद दरस में शरीक करेंगे और यहीं पर अपने दरस को मौक़ूफ़ कर देते हैं वसली करीब वाली वसावी अजमाइन वह रबी असल वरह वरक